थानों में पेंडिंग केस लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। इंसाफ नहीं मिलने से लोग परेशान रहते हैं और इसकी पहली कड़ी शुरू होती है वारंट के तामीला ना होने से, जिसे देखते हुए वारंट को ऑनलाइन किया जा रहा है। इसे लेकर कोर्ट प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम CPMS की शुरुआत की गई है। पेंडिंग केस लोगों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। वक्त पर इंसाफ न मिलने से भी लोग परेशान रहते हैं और इसकी पहली कड़ी शुरू होती है वारंट के तामीला होने को लेकर। पहले थाने के कर्मी कोर्ट जाकर और वारंट कलेक्ट करने का काम करते थे और उसके बाद नोटिस तामीला कराया जाता था। इस प्रोसेस में काफी वक्त लगता था, जिसे देखते हुए इस प्रक्रिया को सॉर्ट करने के लिए CPMS सिस्टम लाया गया है, यानी कोर्ट प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इस सिस्टम के तहत पूरी रिपोर्ट संबंधित थाने के सिस्टम को मिल जाएगी और उसके लिए किसी भी थाना कर्मी को कोर्ट जाने या फिर वारंट का प्रतिवेदन सौंपने के लिए कोर्ट जाने की परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। वर्तमान में बात की जाए तो करीब 10,000 वारंट सिर्फ रांची जिले में ही पेंडिंग है। ऑफिस से कोर्ट भेजता था तो इस प्रोसेस में काफी टाइम लगता था, तो वही है जो न्याय मिलने की जो प्रक्रिया है उसमें और वो लेंथी होता था, तो इस प्रक्रिया को शॉर्ट करने के लिए एक सिस्टम हमने कोर्ट में प्रोवाइड करा है। थानों में ऑलरेडी CCTVs के लिए सिस्टम है ही, तो बस वहाँ से इनको स्कैन करना है और थाने से वो डाउनलोड हो जाएगा, तामिला होकर वापस स्कैन बैक होगा और वो उसमें जो रिसीट डिस्पैच का जो मॉनिटरिंग था वो भी इसमें मेंटेन्ड है कि ऑटोमेटिक हम रिसीट और डिस्पैच नंबर दे रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें SSP ऑफिस में भी मॉनिटरिंग सिस्टम है, जैसे कि उसमें हमने पाँच ऑब्जेक्ट्स में हमने मॉनिटरिंग करी है, जिसमें हमें ये तक पता चलता है कि जो स्कैन करे हुए हैं क्या थाने ने उसे डाउनलोड करा, डाउनलोड नहीं करा तो वो प्रोसेस में चला जाएगा अगर डाउनलोड हो गया। कोर्ट प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम जो लाया जा रहा है, इसकी मॉनिटरिंग भी 5 स्तरों पर की जाएगी ताकि वारंट के तामीले में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। वारंट के जारी होने के साथ ही वो डाउनलोड हुआ या नहीं इसकी जांच होगी और डाउनलोड होने के बाद कितना दिन लगा इसे भी देखा जाएगा और डाउनलोड होने के बाद ये प्रोसेस में चला गया या क्या हुआ उसे लेकर भी मॉनिटर किया जाएगा। बहरहाल जिस तरह से वारंट पेंडिंग है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि एक बेहतर पहल की गई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रक्रिया पारदर्शी होगी और पेंडिंग वारंट की समस्या से भी लोगों को निजात मिल पाएगी। रांची से न्यूज़ बायोस्कोप के लिए मुर्शिद आलम की रिपोर्ट।